आप वो पहले वाला सर नाम चालू कर देने का आपका, फिर मैं बोलूँगा ना। जी मैं गोसा पेंटर तहसील शाहदा महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ। मैं ऐसे आदमी की खोज में तलाश में था, मैं बहुत दिन से ऐसे आदमी का नाम सुन रहा था जो उसका नाम है छोटू भाई वसावा। उसको मिलने की मेरी तमन्ना हुई, वहाँ जाके उनको मैं मिल के आया, क्योंकि उनकी सभी बातें सुनने के बाद में मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो उनकी कुछ बातें मैं यहाँ बोलना रखना चाहता हूँ। तो ये बातें क्या है कि उनकी जो मांग है, छोटू भाई वसावा की जो मांग है, जो स्वायत्त राज यानी खुद आदिवासी का राज हो, क्योंकि आदिवासी ही आदिवासी की बातें समझ सकता है, आदिवासी की समस्या समझ सकता है, और इसीलिए आदिवासी राज की स्थापना करना यानी स्वायत्त राज स्थापना करना वो ये उनकी मांग है। इसलिए वो पूरे हमारे समूचे आदिवासी जो बिखरे हुए हैं, हर प्रांत में अलग अलग ढंग से बिखरे हुए हैं, तो वो प्रांत है, वो बिखरे हुए प्रांत को वो आह्वान कर रहे हैं कि जैसे एमपी में के आदिवासी है, राजस्थान में के आदिवासी है, झारखंड में आदिवासी है, महाराष्ट्र में आदिवासी है, सबका सर्वे करके उन्होंने बिलस्थान का नकाशा बनाया, वो नक्शा यहाँ पर बरताने का प्रयास किया है। बिलस्थान का नकाशा, ये बिलस्थान के नकाशे पर छोटू भाई वसावा जो हमारे आदिवासी की बहुत बड़े मसीहा है, दुखी लोगों को अन्याय, जिस पर अन्याय हो ऐसे लोगों को वो मदद करते हैं, जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार हो उनको वो दौड़ के जाके उनका काम कर देते हैं, उनके नाम से ही काम हो जाता है, ऐसे हमारे छोटू भाई वसावा वो सभी राज्यों के आदिवासियों को आह्वान कर रहे हैं कि आओ हम बिलस्थान अलग राज्य बनाएंगे, आओ तुम हमारे राज्य में, हम उसको एक उन्होंने ये तपस्या एक उन्होंने ये प्राण लिया है, उन्होंने वचन लिया है, वो भी वचन किस प्रकार लिया है चित्र में बताया गया है, वचन लिया है उन्होंने यहाँ मोगी माता का, वचन लिया है उन्होंने जो हमारे जो फुले, वचन लिया है जिन्होंने जो अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, ऐसे महान सांस्कृतिक इन लोगों के जो हमारी सांस्कृतिक गाथा है, जैसे गीता है वैसे हमारी सांस्कृतिक गाथा जिन्होंने गाया है, ऐसे की शपथ लेकर वो हमारा अलग राज्य बनाने के लिए उन्होंने कटिबद्ध होकर लोगों को आह्वान कर लिया है, आओ सब मिलके हम अलग राज्य बनाए, क्योंकि यहाँ हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनका कहना है धर्म और पूंजीवादी पक्षों की धारा में आदिवासी संस्कृति डूब रही है, आओ हम मानव संस्कृति को बचाएंगे। जैसे यहाँ बताया गया है कांग्रेस का प्रवाह है, कांग्रेस की बाढ़ है, कांग्रेस का प्रवाह में आदिवासी संस्कृति डूब रही है, उसी प्रकार देखो यहाँ पर ढोल बताया ना, ढोल यानी संस्कृति का प्रतीक है, तो ये संस्कृति बताने के लिए एक आदिवासी संस्कृति ही डूबने वाले आदिवासी आदमी को एक संस्कृति ही बचा रही है, हाथ लेके उसको मंच पर बुला रही है, आदिवासी जो नक्शा है मंच है उसके ऊपर बुला रही है। उसी प्रकार दूसरी ओर जो बीजेपी का पक्ष बताया गया है, एक तरफ कांग्रेस पक्ष हमारी संस्कृति डुबा रहा है, तो एक तरफ बीजेपी पक्ष जो है बीजेपी के जो बाढ़ में मंदिर मस्जिद डूब रहे हैं, ऐसा ये हमारा एक तरफ मंदिर मस्जिद डूब रहे हैं, एक तरफ हमारे जो जो अतिक्रमण क्या बोलते हो जो धरण के जो ये होता है तो उसमें हमारे मकान डूब रहे हैं, ऐसा सब कुछ बताने का प्रयास किया है। उनका कहना क्या है, मैं वो खुद बोलता है आपको सबलता और अबोला प्रलंबी पशुओं के समान नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सिंहों जैसा स्वमान से स्वाभिमान से जीते हुए देखना चाहता हूँ, ऐसा उनका कहना है। और छोटू भाई की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो हमें एक बार मैं गया तो वो मुलाकात कर रहे थे, वो बोल रहे थे पेड़ लगाओ, क्योंकि एक पेड़ 100 लोगों को ऑक्सीजन पुराता है, एक पेड़ 100 लोगों को ऑक्सीजन पुराता है,
पेड़ ही, जब मनुष्य की मूर्ति होती है तो पेड़ जो जो आत्मा होती है पेड़ में जाती है और पेड़ में से निकलती है, तो पेड़ ही जीवनदायी है। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ पानी है, पानी है तो जीवन है, जीवन है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो प्रकृति है, ऐसा छोटू भाई का कहना है। ऐसे हमारे महान जो आदिवासी मसीहा जो धरती को बचाने को, संस्कृति बचाने को ये काम हाथ में जिम्मेदारी लिए है, ये हमारे महान नेता की बातें हम लोग सुनना चाहिए और प्रकृति को बचाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये जो हमारे जो आजू बाजू हमारा जो हमारा राज अलग क्यों हमें बनाना है, हमारा राज अलग क्यों हमें बनाना है, क्योंकि जो हमारे जो इर्द गिर्द जो वातावरण है, ये हमारा जो वातावरण है दूषित वातावरण है, जैसे कि हम दम घुटने वाला वातावरण है, सभी कारखानदारी ये करके सब दूषित, जो ग्लोबलाइजेशन वाली बात आई है सब दूषित वातावरण वाली बात है। अभी तुम यहाँ सूरत एरिया में जाओ, सभी एरिया में जाओ, बड़े बड़े फैक्ट्री सब वातावरण यानी प्रकृति का विनाश करने वाली बात है। ये बैकग्राउंड में इसलिए छोटू भाई ने बताया, ये सब खत्म करके हमें हमारा नैसर्गिक वातावरण तैयार करना है, इसलिए हमें अलग राज्य की मांग करना है, ऐसा ये बताने का ये करा है। जैसे कि छोटू भाई को हमने एक आदिवासी का उगता गर्म लाल लोहा के जैसे सूरज के रूप में बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ये सूरज अभी उग गया है, ये सूरज उगने के बाद में ये सभी जो वाइब्रेशन खराब हुआ है वो खत्म हो जाएगा और हम अलग राज्य निर्मिति कर लेगा, ऐसा इसका पोस्टर का कहना है। वो डैम वाला डैम, हाँ डैम में उसको क्या बोलते हैं, देख मैं बंद नहीं कर बोलते हैं, बांध 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 बोलते हैं, बांध में जो है ना जो ये जो बांध वाली बातें हैं, जो बड़े बड़े बांध बनते हैं, अभी जो जैसा नर्मदा बांध बना है, हाँ नर्मदा बांध बना है, उकाई डैम बना है, ये हमारा यानी जो विस्थापन वाली बात आती है, जो ये जो क्योंकि हमारा आदिवासी का जो नैसर्गिक जीवन था उसको विस्थापित करके वहाँ बड़े बड़े बांध बना दिए हैं, हमारे जैसे बड़े बड़े बांध बना दिए, हमारा उसमें पूरी संस्कृति हमारी डूब गई, हमारा जीवन नष्ट हो गया है। वैसे जैसे कि हम अभी अभी यहाँ पर नर्मदा डैम में अभी सरदार सरोवर बनाया है, वो तो वहाँ के पर्यटक के लिए के उन्होंने बनाया है, मगर हमारे कितने आदिवासियों के मकान डूब गए हैं, हमारा जीवन बलि चढ़ गया है, ऐसा ये ऐसा बलि चढ़ गया है, तो ये इसका हमें और छोटू भाई का ये विरोध है, क्योंकि हमारी आदिवासी संस्कृति को बलि चढ़ा के वहाँ ये सब कुछ बन रहा है, ये हमारा विस्थापन वाली बात है, ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे, ऐसा छोटू भाई का कहना है। हमारे आदिवासी पर अन्याय अत्याचार होगा ये वो सहन नहीं करने वाले है, ऐसा उनका कहना है। इसी प्रकार हमारे हल्दी घाटी में बागेरी नाका बांध है, जिसमें लगभग 200 से 250 घर जो आदिवासी भीलों के थे वो उस बांध में आ गए, उनकी खेती बाड़ी जगह जमीन सारी उस बांध में आ गई थी और उनको पहाड़ों में विस्थापित होना पड़ा, तो उनको कृषि के लिए जमीन तक नहीं मिली थी, अपने मकान बनाने के लिए जगह भी गवर्नमेंट से नहीं दी गई थी, वो खुद पहाड़ों में जाकर पहाड़ों की कटिंग करके खेत बना के फिर रह रहे हैं। धन्यवाद। हल्दी घाटी से प्रकाश चंद्र भील, आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म। हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।